हेलो दोस्तों, मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा पिट रहा है और वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है। तो क्या हमें उस स्टॉक में कब तक बने रहना चाहिए, यही चीज़ को हम आज स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो वो स्टॉक है दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जिसका प्राइस डिक्रीज होने वाला है। हालांकि पहले से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी डिक्रीज होने वाला है अगर आपने खरीदा है तो। दोस्तों मैं इस स्टॉक के ऊपर आपको सजेशन दूंगा कि कहाँ तक गिरावट होगा, जिससे आपको यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यही वो स्टॉक है जिसका प्राइस गिरने वाला है। अगर आपने थोड़ी सी ऊपर, मतलब थोड़ा सा इसके आसपास खरीदे हो, तो मैं बोलूँगा बेच के निकल जाओ, या अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा इस टाइम में आपको सिचुएशन में इस सिचुएशन में आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका चार्ट पैटर्न से, कि इसका जो चार्ट पैटर्न है वो क्या हमें दिखाना चाहते हैं, या बुलिश ट्रेंड है या बेयरिश ट्रेंड है। क्योंकि दोस्तों एक होता है जो परमानेंट अपर साइड जाता है, एक होता है कि परमानेंट डाउन साइड जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हो येस बैंक को ले लो, बहुत ज़्यादा वो गिरावट आ रहा है। आइडिया को ले लो, वोडाफोन आइडिया, उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ रहा है, ठीक है। चाहे जो भी है, फाइनली उसमें गिरावट देखा जाता है। लेकिन ये स्टॉक का अगर ट्रेंड हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो धीरे 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 अपर सर्किट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें कहां देखना है, यहां पर जो भी करेंट प्राइस यहां पर चल रहा है दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत गिरावट आ रहा है। मैं आपको चार्ट को ठीक से सेट करता हूं। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है 1400 के आसपास इसने हाईएस्ट बनाया था इस जगह पर। इसके बाद देखिए 1429 के बाद इसमें बस गिरावट ही गिरावट आ रही है, और गिरावट आते आते ये देखिए बहुत ज़्यादा जो है नीचे चला गया। वॉल्यूम भी इसका जो है अभी थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, और इसका जो अभी लोएस्ट प्राइस है यहाँ पर देख सकते हैं 1300 के आसपास पहुँच चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे स्टॉक में बने रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपको बने रहना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदारी की है तो मैं बोलूँगा आपको ज़रूर बने रहना चाहिए। और एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी में, इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज भी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो डेप्थ, तो मतलब कि इस कंपनी के पास कर्ज भी है। कितना कर्ज है तो वो भी देख सकते हो, 485 के आसपास कर्ज है। लेकिन वो कुछ नहीं है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इसका जो टोटल असेट है, यहाँ देख सकते हो जो टोटल असेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हज़ारों में है और ये देखिए 400-500 के आसपास है, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रमोटर की पकड़ इस कंपनी में थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास ओनली यहां पर देख सकते हैं 55% है। देख लीजिए 55.86, मतलब अराउंड 56 ही मान लेते हैं, ठीक है, 56% के आसपास है। तो ये जो कंपनी का है, ये थोड़ा थोड़ा जो है नेगेटिव पॉइंट है। अगर ये और ज्यादा रहता, अराउंड 70 के आसपास रहता या 60 के आसपास रहता, तो और भी बहुत अच्छा रहता। तो अब मैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है। क्योंकि अभी तक जो स्टॉक गिर रहा वर्टिकल चार्ट में गिर रहा, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ 1-3 मंथ का जो है चार्ट सेट करना पड़ेगा। 3 मंथ का चार्ट सेट हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर ये स्टॉक गिरता है तो मुझे लगता है 1120 रुपीज़ के आसपास ये जा सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो इसका लेवल मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 1100 के आसपास ये जा सकता है, 1125 के आसपास, ठीक है। तो 1125 के आसपास जा सकता है, मतलब जो लास्ट बॉटम जो बनेगा इसका, जो लास्ट बॉटम वो बस इधर ही बन सकता है दोस्तों। ये चीज़ को ये ज़्यादा छुएगा, अगर टच किया तो इसके बाद एक बहुत अच्छा बाउंस बैक देखा जाएगा। तो जिन्होंने बहुत हाई लेवल पर खरीदारी किया है, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अच्छी बात है, आपको होल्ड करना। लेकिन ये जो है दोस्तों, यहाँ तक गिरावट हो सकता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस इधर से लगा के निकल सकते हो। और उसके बाद जब इसमें तेजी आना स्टार्ट होगा तो स्टॉक शायद हमारे हाथ से निकल चुका होगा। ये देखिए बहुत ज्यादा मैंने नीचे नहीं बोल दिया, ये चार्ट को मैं आप लोगों को छोटा करके दिखा रहा हूं। अगर मैं 5 ईयर का कैंडल चार्ट यहां पर आपको दिखाता हूं तो यहां पर देख सकते हैं 1100 के आसपास मैंने बोला, अगर ज्यादा से ज्यादा गिरता है तो 1100 का। क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा दूर तक टारगेट दिया गया है, मार्केट भी खराब आ रहा है, अगर हो सकता है रिजल्ट खराब आ गया तो ज्यादा से ज्यादा इसमें देखा जाएगा। तो इससे ज्यादा ये स्टॉक नहीं गिरने वाला, मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ। ये इससे ज्यादा मतलब 10% के आसपास गिरावट हो सकती है। अगर हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं तो चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों 10% से ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप 10% बेयर कर सकते हो तो मैं बोलूंगा होल्ड करो। उसके बाद अच्छा तेजी आएगा, जो आपका 10% रिकवर हो जाएगा, विथ प्रॉफिट भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको होल्ड करना है तो बिल्कुल होल्ड कीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, तो इसका मैंने जो है टारगेट भी बता दिया है कि जितना नीचे जा सकता है और कितना जाएगा, उसके बाद फिर वापस आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और फिर हम मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो मिस नहीं हो पाए आपसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।